अब तक आपने देखा बाला और चारुलता कैसे शारदा और अम्मा को ठगते हैं। रामा के घर से निकलकर वे तथाचार्य के घर जाते हैं और वरुण माला को ठगते हैं। घर पहुंचकर रामा गुंडप्पा से स्वर्णकार के बारे में जानकर चकित हो जाता है और आभूषणों की पोटली खोलकर देखता है। आभूषणों को लोहे में परिवर्तित देख अम्मा और शारदा रामा को घर से निकाल देती है। अब आके ये पोटली खोल के देख लेते कि प्रक्रिया ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं, देख ले। हाँ अवश्य अवश्य। मणि ये क्या हो गया, सर्वनाश हो गया, हमारा सारा स्वर्ण तो लोहे में परिवर्तित हो गया। अरे धनी तूने ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, तूने तो कहा था पोटली खोलने के लिए, ये सब तेरा ही दोष है। हाँ तूने पूछा क्यों पोटली खोलने के लिए, तेरा दोष है, तेरा तेरा दोष है, तेरा दोष है, तेरा दोष है। बाला ने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि पोटली नहीं खोलनी है। हमारे धनवान बनने का सुंदर सपना टूट गया धनी, अब क्या करें धनी। आया। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आज तो आप अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज हम सौदामिनी से ऐसे क्या देख रहे हो, काम चोर कहीं के, सारा दिन घर में निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ काम कर लिया करो, जाओ जाकर जल लेके आओ। जी गुरुजी। रुको, ये क्या है, ये पोटली की पूजा क्यों हो रही है? आप स्वयं ही खोल कर देख लीजिए गुरुजी। हमें क्या पता गुरुजी? अच्छा नहीं, अब वरुण माला के क्रियाकलापों से तो हम दूर ही रहेंगे, पता नहीं कौन सी मन्नत कब मांग ले, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो 6 महीने का उपवास रखवा देगी ना। देख लेते तो उत्तम होता है गुरुजी, कम से कम आप सचेत तो हो जाते, पता नहीं कौन सा नया व्रत, कौन सी नई पूजा करवाने की योजना है हमारी गुरु माता की। आप चिंतित क्यों होते गुरुजी, आप इस पोटली पे दृष्टि डालिए, हम बाहर द्वार पर दृष्टि डालते हैं, यदि गुरु माता आ भी गई तो मैं आपको सूचित कर सावधान कर लेंगे। गुरुजी इस पोटली में क्या प्रपंच है, देखिए तो सही, क्या रहस्य है देखिए तो सही। कदाचित तुम उचित कह रहे हो। अच्छा सुनो, सावधानी से दृष्टि रखना है, जाओ। लोहे के टूटे फूटे बर्तन। हे ईश्वर, हमारे जो पोटली आपने बाहर रखी थी गुरुजी से खोल कर देख रहे हैं, हमने मना किया परंतु हमें डांट फटकार कर भगा दिया। आपको स्मरण है ना कि बाला ने क्या कहा था कि यदि समय से पहले पोटली खुल गई तो सारे स्वर्ण के आभूषण लोहे में परिवर्तित हो जाएंगे। गुरु माता चलिए ना, जल्दी जल्दी चलिए जल्दी। स्वामी ये कैसी पूजा है? स्वामी वरुण माला, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया स्वामी? हमने क्या कर दिया, हमने तो बस ये पोटली को खोला है, इसमें कौन सा अनर्थ हो गया? आपने इस पोटली को खोलकर हमारे सभी स्वर्ण आभूषणों को लोहे का कर दिया है, ये हमारी माँ के दिए प्रिय आभूषण थे। माँ के आभूषण, किंतु कोई बात नहीं, आप तो अपनी मंत्र शक्ति से पुनः इन्हें स्वर्ण आभूषणों में परिवर्तित कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, हमारा कहने का तात्पर्य है हम ये क्यों करें? हमारे मूल्यवान आभूषण। मूल्यवान आभूषण, वरुण माला हमारे हमारी हमारी बुद्धि में नहीं जा रहा है, स्पष्ट करो, ये तो केवल लोहे के टुकड़े हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं। ये सब आपकी त्रुटि है गुरुजी। हमारी त्रुटि से? बाला ने तो पहले ही चेतावनी दी थी। बाला, कौन बाला? मूर्खो मूर्खो मूर्खो, वरुण माला
तुम्हें ठग लिया, लूट लिया, अनर्थ हो गया। ना वो तीर्थ यात्री थे, ना वो चमत्कारी थे, ठग थे, ठग धूर्त थे, पखंडी थे। ये आप क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, हम कुछ नहीं चाहते। आप बस तत्काल अपनी मंत्र शक्ति से पुनः इस लोहे को हमारे माँ के दिए हुए स्वर्ण आभूषण में परिवर्तित कर दीजिए। यदि आपने नहीं किया तो ये घोर पाप होगा। आपको 6 माह तक ठहरो, ठहरो। देखो, हम अत्यंत कलांत हैं, विश्राम करना चाहते हैं। हम कल आपका ये कार्य अवश्य संपूर्ण संपन्न कर देंगे। हमारी सौगंध? सौगंध क्यों? ये तो छोटा सा कार्य है। चिंता मत करो, हम कर देंगे। शाम जा। जो आज्ञा प्रभु, हमें आपकी मंत्र शक्ति पे पूर्णतः विश्वास है। कौन है? कौन है जिसका इतना दुस्साहस हो गया, हमारे निवास में घुसकर हमें ठग लिया? छोड़ेंगे नहीं। क्या करें? ये वरुण माला को आभूषण कहां से ला कर दे? मां शारदा के आभूषण नहीं मिले तो जीवन दुर्भर कर देंगी। विकट समस्या है, अत्यंत विकट। देखो मुनि, स्वरूप और मेरा एक साथ उभी एक ही स्थान पर, उभी कंधे पर हाथ रखते खड़े, किसी घनिष्ठ मित्र की भांति। पंडित राधा कृष्ण ने गुरुजी के कंधे पे हाथ? धनी, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? वरुण माला को नकली आभूषण दे देते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। अम्मा और शारदा को नकली आभूषण दे देता हूँ, आभूषण ढूंढने के लिए समय मिल जाएगा। उचित है, नकली आभूषण। तुम्हारा क्या दुस्साहस? हम राजगुरु, महाज्ञानी, अंतर्यामी तथाचार्य हैं, हमारे कंधे पर हाथ रखते हो? मणि, ये तो स्वप्न ही था। गुरुजी तो अपने चरित्र में आ गए। नहीं नहीं गुरुवर, मेरा ध्यान कहीं और था, त्रुटि हो गई। ध्यान कहीं और है तो कुछ भी करोगे। क्षमा कर दे, क्यों इतने क्रोधित हो रहे हैं? आप एक बात बताएं गुरुवर, क्या आप विजयनगर में किसी ऐसे स्वर्णकार को जानते हैं जो नकली आभूषण बनाता हो? हे ईश्वर, ये तो मन की बात सुन लेता है। हैं? हैं? क्या? क्या? हैं परिचित? हम क्यों परिचित होंगे? हमें नकली आभूषणों की क्या आवश्यकता है? हम किसी स्वर्णकार से परिचित नहीं है। हटिए, हटिए। अरे सुनिए तो गुरुवर, अरे इन्हें क्या हो गया? प्रणाम मंत्री भाई। प्रणाम। क्या है रामा, इतना उद्विग्न क्यों हो रहा है? गुरुवर तनिक अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तो इसमें नवीनता क्या है? ये तो प्रायः ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तूने आज ध्यान दिया है। ठीक है, चुप कर। महाराज कृष्णदेवराय की जय! 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 आमंत्री जी। महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज का विषय चिंतित करने वाला है। महाराज, अभी हमारे गुप्तचरों से यह समाचार प्राप्त हुआ है कि एक ठगों का समूह हमारे विजयनगर राज्य में प्रवेश कर चुका है। और तो और महाराज, उन्होंने एक ही दिन में 5 परिवारों को ठग लिया है। 6 परिवारों? जी। कुछ कहा आपने गुरुवर? नहीं नहीं महाराज, हमने तो कुछ नहीं कहा। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? नहीं 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 महाराज, कुछ नहीं कहा, सब ठीक है, सब ठीक है। महाराज, इस संदर्भ में हमें अति शीघ्र कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। तो
तो महाराज, तो उठाइए कदम, इसका कार्य है ये। आप चाहते हैं हम स्वयं जाएं वहां नगर में और ढूंढे उन ठगों को, हम करें ये कार्य मयान से तलवार निकालकर। नहीं नहीं महाराज, हमारा कहने का ऐसा तात्पर्य कदापि नहीं था। तो फिर क्या तात्पर्य आपका? अब कोतवाल से पूछते हैं महाराज। कोतवाल से पूछा जाए कि कहां तक पहुंची है उनकी खोज इन ठगों के विषय में। अब कोतवाल कहां है? कोतवाल महाराज वो कौन है ये? पता नहीं महाराज, अत्यंत संदिग्ध अवस्था में ये हमारे विजयनगर के मार्ग पर घूम रहा था। ये अपने मुख पर से कपड़ा नहीं हटाने दे रहा, कहता है प्राण दे दूंगा पर कपड़ा नहीं हटाने दूंगा। अपना मुख दिखाइए, मन्यता हमें और भी कठोर विकल्प आते हैं ये कार्य करने के लिए। पूरा मुख दिखाइए। कोतवाल, हे भगवान, कोतवाल। प्रणाम महाराज। महाराज मैं बहुत ही लज्जित हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी दुर्दशा किसने की है कोतवाल? महाराज मुझे 20 चौराहे पे महाराज ठगों ने ठग लिया और अपने आप को कांधार का दर्जी बोल के मेरी पोशाक उतरवा ले गए महाराज और वापस ही नहीं आए। बड़े ही चालाक ठग थे महाराज। अरे अत्यंत चालाक हैं वो, धूर्त हैं, धूर्त नहीं महाधूर्त हैं। सत्य कह रहे हैं? क्या सत्य कह रहे हैं ये? कुछ नहीं महाराज, हमने तो कुछ नहीं कहा। पंडित रामकृष्ण आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, कुछ भी नहीं कहा। ये विजयनगर राज्य के कोतवाल हैं। मूर्खता का प्रदर्शन किया है आपने, लज्जित किया है हमें, दंड के योग्य हैं आप। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करें। हाँ महाराज, ये तो सामान्य है मनुष्य है। आश्चर्य की बात है, आज पंडित रामकृष्ण और गुरुवर दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं। जी महाराज। पर हम ये समझने में असमर्थ हैं कि हम ये कार्य क्यों ना करें। कोतवाल से त्रुटि हुई है, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया इन्होंने, इन्हें सतर्क रहना चाहिए था। यदि यही सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारी आम प्रजा का क्या होगा? इनसे त्रुटि हुई है, इन्हें दंड मिलना चाहिए। महाराज आपका आक्रोश करना उचित है, परंतु परिस्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है। आपके राज्य में सत्य का वास है, यहाँ सब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, यहाँ कोई भी किसी को नहीं ठगता, और इसी विश्वसनीयता के कारण बेचारे हमारे कोतवाल फंस गए और ठग लिए गए। महाराज पंडित रामकृष्ण का कथन अक्षरश सत्य है ना? मैं वचन देता हूँ महाराज, उन ठगों को अतिशीघ्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप तो शांत रहिए, सर्वप्रथम अपनी धोती संभालिए। आप इस अवस्था में आप बालकों को भयभीत कर देंगे। आप जाइए अपने निवास पर जाइए, कुछ वस्त्र धारण कीजिए, उसके पश्चात यहाँ दरबार में उपस्थित होइए। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल। जी महाराज। मुंह ढक कर जाइएगा, विजयनगर राज्य की गरिमा का प्रश्न है। आपका कथन उचित है महाराज। पंडित रामकृष्ण। जी जी महाराज। उन ठगों को पकड़कर हमारे समक्ष उपस्थित करने का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। महाराज हम भी भुक्त भोगी हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम इस कार्य में पंडित रामा की सहायता करके प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। आप गुरुवर पंडित रामकृष्ण की सहायता करेंगे? जी महाराज अवश्य करेंगे। हम भी विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु हैं, हमारा भी दायित्व है। हमारे विचार से तो हमारा दायित्व पंडित रामकृष्ण से अधिक। सत्य वचन, सत्य वचन है ना? हाँ। हम राज्य पराई इस विकट घड़ी में अपने प्राण दांव पर लगाकर भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। स्वर्ण आभूषणों की चोरी से हमारे गुरुजी के प्राण तो अटके हुए हैं। गुंडे के प्राण की बाजी तो लगी हुई है। अद्भुत गुरुवर, हम प्रसन्न हैं कि आप और पंडित रामकृष्ण एक होकर इसी कार्य को संपन्न करेंगे। प्रसन्न है हम। जी महाराज, जी महाराज। ये
हमारा सौभाग्य होगा। अत्यंत सहज कार्य है महाराज, वो ठग कोई बड़ा ठग नहीं है, उन्हें पकड़ना तो बहुत सरल होगा। असली धूर्त ठग तो मैंने तेनाली गांव में देखे हैं। एक ठग था सुरैया नाम का, वो तो राह चलते लोगों के कान की बालियां उड़ा लेता था और किसी को भी पता नहीं चलता था। ये ठग तो चालाक भी नहीं, मूर्ख है, कायर है, डरपोक है। तने प्रतीक्षा करो रामकृष्ण, तुम्हारे ही कान की बाली ना उड़ा दी तो कहना। हम चुनौती देते हैं इस ठग को, हमारे कान की बाली उतार कर दिखाए। किंतु गुरुजी आपके कान में बाली तो है ही नहीं। नहीं, हमारी बाली कहाँ गई? मिल गई महाराज, मिल गई। हमारी असावधानी के कारण गिर गई थी। और क्या प्रसंग है महामंत्री जी? नहीं महाराज, आज बस इतना ही। अद्भुत, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। कृष्णदेव राय के अंत का यही सही अवसर है। पंडित रामकृष्ण, हाँ। हमें इसे तुरंत वैद्य के पास लेके जाना होगा। जी मंत्री मैं। उठाइए उठाइए सिपाहियों, उठाइए। प्रणाम देवी, प्रणाम। प्रणाम। आप? अजी मैं, मेरा नाम चंद्रा है, हम कलिंग राज्य से आए हैं। क्या ये आवाज महापंडित? हाँ हाँ, ये उन्हीं का आवाज है, परंतु आप यहाँ किस लिए आए हैं? सूचना के अनुसार पर तो इस आवाज पर तनी मनी होना चाहिए, और ये नाम तो पुरुष के प्रति होते हैं, फिर ये महिलाएं कैसे? हमें ज्ञात हुआ था कि पंडित जी के शिष्य पुरुष हैं, परंतु आप तो महिलाएं हैं। इस नालायक के शिष्य कहां से अंकुरित हो गए, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। हाँ अम्मा, कहीं ये सुंदर स्त्री उसकी शिष्य बनने तो नहीं आई? नहीं नहीं, आपको कोई गलत सूचना मिली है, वो सुंदर स्त्रियों को अपनी शिष्या नहीं बनाते। इस घर में केवल इनकी लाठी का राज चलता है, और इन्होंने साफ साफ मना किया है। मना किया था अम्मा? आप भूल गए हैं आपने मना किया था? मना किया था। किया था। देवी आप भ्रमित हो रही हैं, हम यहाँ पंडित जी के शिष्य बनने नहीं आए हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? हमने उनका बहुत नाम सुना है, हम तो यहाँ उनसे भेंट करने हेतु उपस्थित हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई नाम नहीं है, कोई प्रसिद्धि नहीं है, वो तो बस ऐसे ही प्रपंच रचते रहते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हम रहते हैं ना उनके साथ, हमें सब पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो बस अब जाइए, हम थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करेंगे।
शत प्रतिशत इनके मूर्छित होने का कारण शरीर में विष का प्रभाव है। परंतु आपको किसी बात की कोई शंका है? शंका नहीं, आश्चर्य। इनके हाथ को देखिए, ना कोई सर्पदंश है और ना ही किसी कीड़े के काटने का निशान, मात्र एक खरोंच है, मतलब मनुष्य के नख से बना हुआ निशान। किंतु मनुष्य के नख से विष कैसे फैल सकता है? इसी कारणवश मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। पंडित रामकृष्ण जी, मंत्रीवर, हमें आपसे एक आवश्यक वार्ता करनी है। कहिए। हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार कोई विकट संकट हमारे विजयनगर राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर चुका है। विकट संकट? विजयनगर और उसके महाराज को तुम्हारी आवश्यकता है रामा। महाराज कृष्णदेव राय पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.